दर्शकों नमस्कार, सिटी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का सिटी न्यूज के हिंदी न्यूज बुलेटिन में मैं अमोल खुड़े हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आपको रूबरू कराते हैं अब तक की तमाम खबरों से। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जीने की राह इस पथ दर्शक सुविचार माला के साथ। पथदर्शक सुविचार माला जीने के राह के बाद अब बारी है खबरों के श्रृंखला की। सर्वप्रथम नजर डालेंगे बुलेटिन के सुर्खियों पर। तो ये थी आज के बुलेटिन की सुर्खियां। अभी एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तत्पश्चात देखेंगे खबरें विस्तार से। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मंगलवार से जिले की जुड़वा नगरी परतवाड़ा अचलपुर संगीनों के कड़े पहरे में है और आईजी सहित पुलिस दल बल माहौल पर नजरें बनाए हैं। मंगलवार को रेती तस्करों के हमले में मारे गए मृतक युवक पर कड़े बंदोबस्त में बुधवार को अंतिम संस्कार हुआ। उधर और एक नया विवाद माहौल को गर्मा गया है। नदीम नामक युवक और उसके सहयोगियों ने स्कूल जा रहे 17 से 18 युवतियों की फोटो मोबाइल में खींचने पर हुए विवाद का साया भी जुड़वा नगरी पर हावी है। जिले के जुड़वा नगरी परतवाड़ा अचलपुर में मंगलवार से पूरे शहर पर संगीनों का कड़ा पहरा है। अचलपुर में रेती तस्करों के हमले के बाद से माहौल गर्माया है। पुलिस के वरिष्ठ आला अधिकारियों ने भी यहां ठिया लगा दिया है। सभी हालात पर नजरें बनाए हैं, लेकिन तनाव अभी भी कायम ही है। अचलपुर परतवाड़ा में भारी बंदोबस्त तैनात होकर भी परतवाड़ा के नदीम नामक युवक और उसके सहकारियों ने शांति भंग करने का काम किया। इन मंचलों ने स्कूल जा रहे युवतियों की फोटोग्राफी की। कुल 17-18 छात्राओं की तस्वीरें उनके मोबाइल में मिली है, जिससे माहौल फिर गर्मा गया। एक और मृतक युवक के परिजनों का मृतक पर आरोपियों के गिरफ्तारी तक अंतिम संस्कार करने को किया गया इनकार। दूसरी ओर फोटो विवाद और पुलिस के कर्तव्य दक्षता को निशाना बनाकर उन्हें जवाब तलब करने पहुंचे बजरंग दल के पदाधिकारी ऐसे बहुकोणीय कैची में बुधवार को पुलिस महकमा फंसा था। पुलिस ने संयम बरतकर मृतक के शव पर अंतिम संस्कार करवाए और शहर में कड़ा पहरा और बढ़ा दिया। अभी परतवाड़ा अचलपुर में भारी तनाव है, पूरा शहर संगीनों के पहरों में है, लेकिन इस विवाद से जिले भर में अफवाहों का बाजार भी गर्म है। बुधवार को मनपा के अतिक्रमण विरोधी दस्ते ने श्रीनिवास कॉलोनी स्थित पोटे का 500 फीट अतिक्रमण तोड़ डाला। इस अतिक्रमण की शिकायत मनपा को प्राप्त थी। शहर के श्रीनिवास कॉलोनी के पोटे द्वारा 500 फीट का अतिक्रमण किया गया, ये शिकायत मनपा को प्राप्त थी, जिस पर अतिक्रमण धारक को मनपा ने नोटिस जारी किया, लेकिन इस नोटिस का जवाब न आने पर बुधवार को मनपा के अतिक्रमण तोड़ू दस्ते ने यह अतिक्रमण तोड़ डाला। पुलिस बंदोबस्त के बीच यह कार्रवाई हुई। बुधवार को अमरावती महानगर पालिका ने शहर में फैलते प्लास्टिक के प्रदूषण और उसकी भयावहता दर्शाते विनाशक प्लास्टिक इस घोष वाक्य पर प्लास्टिक के दुष्परिणाम जताते लघु फिल्म का निर्माण किया। यह लघु फिल्म बुधवार को मनपा ने जन जागृति में जारी की। आर्थिक
सांस्कृतिक भवन में यह कार्यक्रम हुआ जिसमें पालक मंत्री सहित विभिन्न मान्यवर अतिथि मौजूद थे, लेकिन मनपा के नगर सेवकों की अनुपस्थिति सभी को खटक गई। पालक मंत्री ने भी अपने संबोधन में उक्त बात का उल्लेख किया। स्वच्छता भारत अभियान ज्याप्रमाणे अपने देश में माननीय मोदी साहब ने गाजवलं आणि सुरुवात केली की स्वच्छता अभियान कसं करायचं असेल तर आपण आपल्यापासून सुरुवात केली पाहिजे आणि त्या अनुषंगाने इथे बसलेले शिक्षक टीचर्स आणि स्वच्छता अभियान जी स्वतः गाजवतात जे करतात जे राबवतात जे स्वतःपासून राबवतात असे ते शहर स्वच्छ ठेवणारे सन्माननीय नागरिक ज्यांचा विशेष एक उल्लेख केला जातो, वेगवेगळ्या पद्धतीने त्यांना बोलल्या जातात, वेगवेगळी नावं ठेवली जातात, पण खऱ्या अर्थाने गोड अर्थ आहे ही लोक आहेत ते अमरावती शहर स्वच्छ आहे असं मी जाहीर केलं। डॉक्टर सावजी साहेबांनी सांगितलं कन्सेप्ट सांगितला देश उत्तम प्लास्टिक आपल्याला कळतंय पण उमजत नाही, जे उमजते ते कळत नाही। आज या महानगरपालिकेत 87 नगरसेवक आहे आणि त्यामध्ये 4-5 नगरसेवक फक्त इथे प्राऊड केला उपस्थित आहे। फार महत्वाचं इथे ते ज्यांची आवश्यकता आहे इथे ते ज्यांना शहर करत जायचं आहे ज्यांचं स्वप्न पाहतात ते फक्त महानगरपालिका चांगली ठेवायचं स्वप्न पाहतात पण प्रत्यक्ष उतरण्यासाठी कोणीही स्वतः हजर असत हा एक फार महत्वाचा असतो। हा सगळ्यांनी जे जे घरी घरी बसले असतील लोक त्यांना ते आता टीव्हीतून पाहत असतील की आपला अमरावती महानगरपालिकेने एक प्लास्टिक निर्मूलनाचा कार्यक्रम घेतला आणि आपापल्या टीव्ही चॅनल मधून कदाचित पाहत असतील पण त्यांनी प्रामुख्याने असण्याची गरज होती। कारण स्वच्छ स्वच्छ सुंदर जर अमरावती करायचं आहे तर त्यासाठी आपण प्रामुख्याने हजर राहायला पाहिजे आणि सुरुवात आपल्यापासून सुरुवात केली पाहिजे। जनरली आपण पाहत असताना एक गोष्ट आपल्याला आठवते की आपण सगळ्या गोष्टी सफाई कामगारांसह होतो, कोणीतरी उठला सुटला तर आम्ही मंत्री असताना आमदारांनी सुद्धा मी पाहिलं कोणी आम्हाला स्वतः फोन करायचे भाऊ आमची इथे नाली साफ झाली नाही आमच्या इथे कचरा पडला पण ज्यांनी तक्रार केली त्यांनी कधी स्वतःचा कचरा व्यवस्थित निर्मूलन केला नाही याचा मला फार दुःख आहे। तो त्याच्या दुसऱ्याला सांगायचं त्याने केलं पाहिजे मी काही करणार नाही ते करतील महानगरपालिका ते करतील स्वच्छता अभियान करणारे ते करतील नगरसेवक करना। इस कार्यक्रम में केवल चुनिंदा नगर सेवक ही पहुंचे, सफाई कामगारों को इस कार्यक्रम में जबरन बिठाया गया था, लेकिन यह लघु फिल्म उनके समझ में ही नहीं आई और लोगों के झुंड शुरू कार्यक्रम के बीच में ही उठकर बाहर जाते दिखे। मनपा की किरकिरी तो तब हुई जब सफाई कर्मियों ने अपनी भूमिका रखी, जिस पर पालक मंत्री ने डोर टू कहा कि कर्मचारियों की शिकायत दूर की जाएंगी। रमेश पांडे प्रभाग क्रमांक 10 मध्ये मी काम करतो, आतापासून आमचे काही पगार झाले नाही 72 दिवस झाले, खोटं असेल तर ठेकेदाराला तुम्ही विचारून घ्या, आमचे जे कामगार आहे कामगारांचे विचारा। आज आम्ही डिस्कस केली की काम बंद करतो तर भाई हात जोडून विनंती करा मी सोमवारी तुमचे पगार करतो, आतापर्यंत आम्हाला काही ते बिल काही भेटले नाही, आज तो चेक भेटल तो ड्रा होईल तो कधी होते काय होते आम्हाला काही माहित नाही, नुसते वाटले पैशाचा व्याजाचा व्यवहार करतात, कुठून घ्या पैसे आम्ही माझा पोरगाच्यात कामाला आहे मी कामाला आहे आम्ही 10 झालं कामाला यायचं अजून पगार झाला नाही खोटं असून तुम्ही विचारून घ्या काय क्या बोल के बुलाय ये प्लास्टिक देतले हम जमा करेंगे हम खाएंगे कामगार जमा करो बोलते कटने को टायर नहीं है घरों में बकेटा नहीं है हमारे घर को झाड़ू नहीं है हाथ से उठाना पड़ता हमको हाथ से तो बोलते प्लेटा कहाँ गया तो जाओ बोलते घर पे जाओ काम करने को वहाँ साधन बरो साधन नहीं है हमारे कटले देखो 6 कटले में से 2 कटले है 2 कटले कहाँ कहाँ नचाएंगे हम माननीय आयुक्त यांच्याशी बोलतो की आपल्या इथे जो कचरा निर्मूलनासाठी जे लोक काम करतात जे साफसफाई कामगार आहे त्याचे ताबडतोब त्यांनी पेमेंट द्यावे त्यांनी आता सांगितलं मला की 2 महिन्यापासून पैसे बाकी आहेत आणि स्वच्छ सुंदर अमरावती ठेवण्यासाठी सफाई कामगारांचा फार महत्वाचा वाटा आहे त्यामुळे यांची आपण पेमेंट दिलेच पाहिजे आणि हे जर नसले यांनी जर काम केलं नाही तर अमरावती स्वच्छ सुंदर राहू शकत नाही याची मला खात्री आहे त्याच्याबद्दल मी
या सफाई कामगारांच्या वतीनं मी मान्य आयुक्तांना सुद्धा आणि तसंच आज महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटचा मंत्री या नात्याने सुद्धा मी सफाई कामगारांना पैसे लवकर मिळावे यासाठी मी प्रयत्न करून अमरावती मनपाके इस कार्यक्रम में मनपाके पार्षद ही नहीं पहुंचे तो यह अभियान कैसे पूरा होगा यह सवाल भी बुधवार का यह हंगामा देख पूछा जा रहा है। दर्शकों न्यूज बुलेटिन में अभी वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक से लौटेंगे तो देखेंगे कुछ और खबरें, बने रहिए सिटी न्यूज के साथ, ब्रेक के बाद खबरें और भी है। ब्रेक पश्चात तमाम दर्शकों का फिर एक बार स्वागत है, मैं हूं अमोल खोड़े और आप देख रहे हो सिटी न्यूज के हिंदी समाचार। आइए आपको रूबरू कराते हैं कुछ अन्य खबरों से। कल चंद पलों बाद हम सब स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। भारत के 69वें स्वाधीनता दिवस का जश्न मनाकर सभी को भारत के आजादी के 68वें वर्षगांठ की बधाइयां दी जाएंगी। पूरे गर्व के साथ यह राष्ट्रीय त्योहार मनाया जाएगा और इस दिन उस महकमे को भी खूब कोसा जाएगा जो महकमा आजादी के इतने सालों बाद तक जन सुविधाओं के निराकरण में सक्षम नहीं हो पाया है। हमारे भारत को आजाद हुए 69 साल पूरे हो रहे हैं। इतने सालों में हमारे देश में कईयों बदलाव हुए, कईयों उपलब्धियों को हमने छुआ। हमने अब तक मौसम के कई रूप सैकड़ों बार बदलते देखे हैं। हमने आजाद भारत के सत्ताधीशों की बदलती तस्वीरें भी देखी है। ये तमाम तस्वीरें तो पल पल बदलती रही और बदलते दिखी भी, लेकिन एक तस्वीर जो हम कईयों सालों से देखते आ रहे हैं वह तस्वीर कब बदलेंगी यह आज का मुख्य सवाल है। आज की तस्वीर क्या है ये देखने कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर से बाहर निकल आओ तो जो दिखना है दिख जाता है। आजादी के बाद देश की तस्वीर कितनी बदली ये तो देखेंगे ही, लेकिन यह भी देखना जरूरी है कि अब तक शहर कितना बदला है। आजादी के इतने सालों में कईयों तस्वीरें बदली, लेकिन इस शहर के बदहाली की वो एक तस्वीर ऐसी है जो अब तक नहीं बदली है। बारिश हर साल होती है, कभी कम होती है कभी ज्यादा। ऐसे में बारिश में अपने आप को भीगने से बचाने की तरकीबें आम आवाम खुद ढूंढ लेती है। छतरियां, रेनकोट आदि आधुनिक साधनों का इस्तेमाल करती है। यह बारिश जनता की समस्या नहीं है, जनता की समस्या वो बारिश का जमा होता पानी है जिसके लिए जिम्मेदार हमारा महकमा ही है। हमारा अमरावती शहर आजादी के इतने सालों बाद आज भी उपेक्षित ही है। संभागीय मुख्यालय होने की पहचान मात्र दिखावा है, किसी खेड़े से कम नहीं है शहर के कईयों क्षेत्र। सड़कों पर जमता पानी देखने के बाद दिखाई देते वो प्रभाग भी जहां तो अब तक सड़कें भी नहीं बन पाई है। कीचड़ से आना जाना करते यह संभागीय मुख्यालय वाले नगरी के ही निवासी है, लेकिन लगता है कि किसी दूर दराज वाले खेड़े के निवासी हो। आजाद भारत के 69 साल बाद शहर की यह तस्वीर यह बताने काफी है कि अब तक कितना बदलाव हुआ है। रास्ते, पानी, स्वच्छता यह प्राथमिक सुविधाएं तक आम आवाम तक इतने सालों तक पहुंच नहीं पाई है। आज भी शहर के नागरिक दूषित पानी पीने विवश है। पानी ने तो अब अपना रंग ही बदल दिया है, यह पानी दूषित नहीं है, ऐसी राय अब हमारे 69 साल बाद वाले भारत के शहर के महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के अभियंता की है। पानी है गढूळ आहे असं म्हणता येणार नाही, त्याला थोडासा रंग आहे आणि तो रंग काही निघत नाही आपल्या ट्रीटमेंट मध्ये किंवा अशी प्रक्रिया राहत नाही। नेहमी जे शुद्धीकरण होतं तिथे अशी काही प्रक्रिया रंग काढायसाठी काही राहत नाही, तर गढूळचा जाण्यासाठी प्रक्रिया असते आपल्याकडे। गढूळ आहे त्याला भुरकटपणा आहे त्याला थोडासा, त्यात गढूळता नाही आहे आणि नुकसान होण्यासारखं काही नाही आहे, नुकसान काही नाही आणि पिण्यासही अयोग्य वगैरे नाही आहे। रोज आपले प्रयोगशाळेत नमुने नियमितपणे पाठवण्यात येतात आणि कुठलंही आजपर्यंत आपल्याला पाण्याच्या गुणवत्तेबद्दल काही प्रयोगशाळेकडून असं काही कळण्यात आलेलं नाही की अयोग्य आहे, म्हणून सगळे योग्यच आहेत। त्यामुळे नागरिकांनी घाबरून जाण्याचं कुठलंही कारण नाही या बाबतीत। ये नई खोज उन्होंने की है। ये हाल हमारे पीने के पानी का है। सड़कों और प्रभागों का हाल तो आपने देखा ही है। प्रभागों में के सड़कों पर मुरुम तक डालने को 1700 कागज काले करने होते हैं। सबकी राय,
पार्षद का पत्र आदि इकट्ठा करना पड़ता है, मीटिंग होती है, प्रत्यक्ष मुआयना होता है। जब तक ये तमाम दस्तावेज जुटाए जाते हैं तब तक बरसात निकल भी जाती है। शायद बरसात निकल जाने की ही रात सभी देखते हैं। गंदगी के माहौल का तो क्या करना, मानो गंदगी के ढेर पर ही बसा हो शहर जैसा हाल है। इतने सालों से हमारा महकमा जन सुविधाओं को जनमानस तक पहुंचा नहीं पाया है। हर साल स्वाधीनता दिवस मनाया जाता है, इस बार भी मनाया जाएगा, लेकिन उसी आजाद भारत के शहरों में दिखने वाले इन बदहाल शहरों का क्या, इसका जवाब भी कोई दे तो बेहतर होगा। सच में हमारा महकमा शहर के हर मोर्चे पर फेल है। सदन तो बस सदन ही है, ये चलता कम है और राजनीति ही ज्यादा होती है, यह विशेषता उस सदन की है। इसी सदन पर इस शहर को स्मार्ट करने की जिम्मेवारी है। करना क्या है यह ना बताने की जरूरत है ना दिखाने की, जरूरी है इच्छा शक्ति की, तभी सही मायने में बदलेंगी आजाद भारत के हर गांव, हर शहर, हर राज्य और पूरे देश की तस्वीर। आजाद भारत की 68वीं वर्षगांठ हम कल मनाएंगे। स्वाधीनता दिवस के 69वीं सालगिरह के इस पावन मौके पर, इस राष्ट्रीय त्योहार के अवसर पर सभी अच्छे बदलाव का प्रण ले तो ही कुछ होगा यह तय रहा, वरना कुछ भी नहीं होगा यह भी तय रहा। कुछ दिनों पहले ही शिवसेना पार्षद दिगंबर दहाके द्वारा मनपा के दावों पर पानी फेरने वाला खुलासा किया गया। मनपा ने काम तो शुरू किए लेकिन मनपा की तिजोरी खाली है, यह खुलासा दिगंबर दहाके ने किया। राजापेट के रेलवे ओवरब्रिज का काम कैसे होगा जब मनपा के पास पैसे ही नहीं है, यह सवाल भी दिगंबर दहाके इन्होंने दागा, जिसका जवाब शहर अभियंता ने भी दिया है। उन्होंने बताया है कि जल्द ही यह राजापेट का रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण शुरू होगा। राजापेट आरओबी के टेंडर की जानकारी मात्र देने मैंने पत्रवार्ता कर जानकारी दी थी, यह जानकारी सिर्फ साझा करना मेरा उद्देश्य था, निधि के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, यह शहर अभियंता का खुलासा है। महाराष्ट्र सेल्स एंड मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन के अमरावती इकाई ने बुधवार को जिलाधीश दफ्तर पर धरना प्रदर्शन किया। ये हमारा एसोसिएशन की प्रलंबित मांगे अभी तक प्रलंबित ही है, ये मांगे कब पूरी होंगी, यह सवाल इस धरना प्रदर्शन से पूछा गया। किमान 20,000 रुपये वेतन हमारे लोकांना मिळालंच पाहिजे, औषधाच्या किमती कमी झाल्या पाहिजे, काळा बाजार जो होता है औषधांमध्ये तो बंद झाला पाहिजे, मल्टीनॅशनल ज्या कंपन्या भारतात येऊन आपले पायर होत आहे आणि भारतातील कंपन्यांना त्याचं भवितव्य खराब आहे, जेणेकरून कामगारांवर अन्याय होईल तो बंद झाला पाहिजे, या आमच्या प्रमुख मागणी। शहर के इरविन डफरिन अस्पताल की बदहाली, टेक्सटाइल हब के लिए बेरोजगारों का प्रशिक्षण, किसानों के कृषि पंपों को बिजली, कामगार अधिनियम के तहत कामगारों का वेतन वितरण, एपीएल कार्डों पर बंद राशन वितरण, शिक्षणाधिकारी कार्यालय का अंधाधुंध काम आदि मुद्दे लेकर आप पार्टी डीएम दफ्तर के सामने भूख हड़ताल पर बैठी है। सरकार की नाकामियां गिनाते यह भूख हड़ताल शुरू है। 4 नवंबर रोजी इरविन मधून वीडियो कॉन्फरन्सिंग मध्ये टोटली मीटिंग झाली कार्यकर्ता सोबत सामाजिक पक्षाच्या, त्यावेळेस त्यांनी सुद्धा आश्वासन दिलं आणि मंत्रालयातवर आणि मुख्यमंत्र्यांनी बोलल्यानंतर पण ह्या वाटण्या पूर्ण होत नाही आहे, या गोष्टीकरता शेवटला पर्याय म्हणून आम्ही आमरण उपोषणाचा निर्णय पक्षाच्या वतीने घेऊन, म्हणजे पालकमंत्री यांनी सुद्धा आपल्या ह्याच्या ते दिव्य मराठीला एका हे दिला होता आपला इंटरव्ह्यू, त्यामध्ये म्हटलं होतं की ज्या लोकांमुळे ह्या मशिना बंद आहे किंवा ज्या ज्यांना याच्यातून काही फायदा मिळत आहे का बा याची छाननिशा करून त्याच्यावर कारवाई करण्यात येईल, पण एवढ्यानंतर एवढा प्रेस आणि एवढा पाठपुरावा झाल्यानंतर सुद्धा पालकमंत्र्यांनी स्वतः बोलल्यानंतर सुद्धा मुख्यमंत्र्यांनी बोलल्यानंतर सुद्धा हे मशीन का चालू होत नाही बा, 2011 ही मशीन बंद आहे आणि याच्यातून कोणाला काय फायदा पोहोचत आहे हे सगळं लक्षात येत नसल्यामुळं, आणि त्यानंतर बाकी एक दुसरा मुद्दा आम्ही कामगारांचा घेतला आहे की जे आपल्या नांदगाव MIDC आपला टेक्सटाईल झोन आला आहे त्यात कोणत्या प्रशिक्षणाची व्यवस्था सुशिक्षित बेरोजगारकरता स्थानिक रोजगाराकरता केलेली नाही आहे, तर प्रशासनाचं लक्ष कुठं आहे, कोणत्याही गोष्टीचं नियोजन नाही आणि हा सगळा अदाबंदी काळावर चालू आहे त्याच्यावर काहीतरी एक चेक असावा बा म्हणून पक्षाच्या वतीने।
हाल ही में एक बकरी ने एक विचित्र बच्चे को जन्म दिया है। वैसे तो उसका पूरा शरीर बकरी जैसा ही है, लेकिन उसका चेहरा कुछ ऐसा है कि पहली नजर में देखने पर यह बच्चा इंसानी शक्ल से मिलता जुलता प्रतीत होता है, जिससे देखने वालों की भीड़ इस बकरी के बच्चों को देखने उमड़ रही है। आप भी देखिए यह बच्चा और अंदाजा लगाए कि किसके शक्ल से मेल खाती है यह तस्वीर। चलिए अब नजर डालते हैं आज के कार्टून कोना पर। अब करेंगे मौसम समीक्षा, देखेंगे आज के और कल के मौसम का हाल। बुधवार को शहर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस आका गया। बात करें गुरुवार की तो गुरुवार को शहर का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान मौसम विभाग ने व्यक्त किया है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। अब देंगे बुलेटिन को विराम। बुलेटिन को विराम देने से पहले नजर डालेंगे बुलेटिन के सुर्खियों पर। तो ये थी आज के बुलेटिन की सुर्खियां। अब लेते हैं आपसे विदा। सिटी न्यूज के बारे में आप सभी से सुझाव एवं विचार सादर आमंत्रित है। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय धनराज जैन सक्कर साथ अमरावती। हमारा दूरभाष क्रमांक है 2570326। हमारी वेबसाइट है www.citynews.net.in। सिटी न्यूज पर ताजा तरीन खबरों की श्रृंखला निरंतर जारी है। कुछ और ताजा तरीन खबरों को लेकर जल्द हाजिर होते हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। 6